शांति। आत्मा, परमात्मा और यह सृष्टि, यह तीनों ही अनादि हैं, अविनाशी हैं और अनंत हैं। इसलिए आत्मा और परमात्मा, इनके जो भी स्वभाव हैं, संस्कार हैं, वह भी अनादि, अविनाशी और अनंत हैं। और सृष्टि के भी जो पांच तत्वों से बनी है, तो उन पांच तत्वों के भी जो भी गुण, धर्म और कर्म हैं, वह भी अनादि हैं, अविनाशी हैं और अनंत हैं। क्योंकि यह तीनों ही स्वयंभू हैं, परंतु परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान होने के कारण और आत्माएं उनकी संतान होने के कारण मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाती हैं और परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, तो परमपिता परमात्मा की शक्तियां और आत्मा जो कि मास्टर सर्वशक्तिमान है, इन दोनों की शक्तियों के साथ सृष्टि के पांच तत्व भी अपने गुणों से और अपने स्वभाव से और अपनी शक्तियों के साथ मनुष्य जीवन को चैतन्य रखते हैं। और यह चैतन्यता परमपिता परमात्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है ही, और आत्मा भी अजर, अमर, अविनाशी है। और सृष्टि के यह पांच तत्व भी अजर, अमर, अविनाशी है, परंतु परमपिता परमात्मा के जो भी स्वभाव हैं, संस्कार हैं, वह अपरिवर्तनीय हैं, परंतु आत्मा जब मनुष्य शरीर इस सृष्टि पर धारण करती है, तो उसके स्वभाव और संस्कारों में जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, उसके स्वभाव और संस्कारों में प्रकृति के संग में आने के कारण शनै शनै परिवर्तन होता जाता है। अब परमपिता परमात्मा के संग में भी वह परमपिता परमात्मा और स्वयं के जो निवास स्थान, जो उसका अपना घर है, जो पांच तत्वों से भी सूर्यगण, तारागण के भी उस पार परम धाम है, शांति धाम है, निर्वाण धाम है,
ब्रह्मांड है, ब्रह्मलोक है, उस घर के अंदर जब वो अपने पिता के संग में है, अर्थात प्रभु के, ईश्वर के संग में है, तो उनके स्वभाव और संस्कारों का रंग पूर्ण रूप से आत्मा के साथ होता है और आत्मा वहां पर पूर्ण रूप से सत्वप्रधान होती है, पूर्ण रूप से पावन होती है। जैसे परमपिता परमात्मा पवित्र है, सदा पवित्र है, और अपवित्र को पवित्र बनाने वाला है, तो वो पवित्रता के स्वभाव और संस्कारों में आत्मा अपने घर में स्थित रहती है। तो आत्मा स्वभाव संस्कारों के साथ जब कर्म करती है तो उन दिव्य और सत्वप्रधान संस्कारों से संस्कृति की स्थापना होती है। जब वो प्रथम बार इस सृष्टि पर अपना इस देह को धारण करके जो कर्म करने शुरू करती है, वहां से हमारी संस्कृति उसकी शुरुआत होती है, और वह संस्कृति आदि संस्कृति कहलाती है। अब चूंकि आत्मा जिस स्थान पर उतरती है वह स्थान भारत देश है, और भारत देश अर्थात प्रभु की पसंदगी की भूमि, जहां परमपिता परमात्मा इन आत्माओं को इस सृष्टि के ऊपर जो देह धारण करती है, तो दैवी सृष्टि के अंदर उनको उतारते हैं। दैवी सृष्टि होने के कारण अर्थात प्रकृति भी सात्विक और सत्वप्रधान होने के कारण जो संस्कृति बनती है वह भी सत्वप्रधान और सात्विक होती है, और वह स्वभाव और संस्कार जो संस्कृति कहलाते हैं वह समय के चक्र के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और आत्मा का परमपिता परमात्मा के स्वभाव और संस्कारों का संग का रंग शनई शनई उतरता जाता है, कम होता जाता है, और आखिर जब कलयुग के अंत तक वह आत्मा अपने जन्म पुनर्जन्म का चक्र काटती हुई या आगे बढ़ती हुई जब अंतिम जन्म में आकर के पहुंचती है, तो उस आत्मा का और प्रकृति के पांचों ही तत्वों का जो स्वभाव है, संस्कार है, उसमें आमूल परिवर्तन आ जाता है। जो असली स्वभाव संस्कार थे वो नहीं रहते हैं, नाम मात्र रहते हैं, और यही कारण है कि प्रभु को फिर से वह दैवी संस्कृति की
स्थापना करने अर्थ फिर से सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है, परंतु इस सृष्टि पर जो मनुष्य आत्माएं हैं वो अनेका अनेक आत्माओं के संग के रंग में रंगने शुरू हो जाती है और रंगते 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 वह भी अंतिम चरण में सृष्टि के पहुंचती है। और जब सृष्टि पर भी कलयुग का अंतिम चरण चल रहा होता है तो आत्माओं के अंदर भी स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन होते, संस्कृति में भी महापरिवर्तन आ जाता है। जिस संस्कृति की वजह से, जिन सात्विक सतो प्रधान स्वभाव की वजह से आत्मा जो शक्तिशाली बनी रहती है वह धीरे धीरे जन्म पुनर्जन्म के अंदर अनेका अनेक अच्छे बुरे कर्म करते करते वह भी कमजोर होने लगती है, शक्तिहीन होने लगती है। और इतनी शक्तिहीन हो जाती है कि उसकी जो आत्मा की चैतन्यता, आत्मा की जो अपनी सोच शक्ति, अपनी निर्णय करने की शक्ति, अर्थात उसका मन, उसकी बुद्धि और उसकी धारण करने की शक्ति अर्थात संस्कार, तीनों में वो कमजोर पड़ती है। और जब वो कमजोर पड़ती है तो उसे आवश्यकता पड़ती है अन्य आत्माओं के बुद्धि रूपी निर्णय की या अन्य के विवेक की, क्योंकि विवेक से ही जब निर्णय होता है तो फिर कर्म होता है। तो कर्म श्रेष्ठ करने के लिए या कर्म राइट करने के लिए, सही कर्म करने के लिए, योग्य कर्म करने के लिए, कल्याणकारी कर्म करने के लिए या लाभप्रद शुभ कर्म या अच्छे कर्म करने के लिए उसे अन्य आत्माओं की आवश्यकता पड़ जाती है। जो आत्माएं उससे बलवान हैं, शक्तिमान हैं, या फिर उस आत्मा के पास अपनी सोच शक्ति, निर्णय शक्ति या धारणा शक्ति स्वयं की भेंट में अधिक प्रतिशत है और उनको कहा जाता है अनुभवी आत्माएं। जिन आत्माओं की मदद की आवश्यकता पड़ती है उसे कहा जाता है अनुभवी आत्माएं। जो अनुभवी आत्माएं अपने अनेका अनेक जन्म पुनर्जन्म और अंतिम कलयुग के अंतिम चरण के और समय के भी, काल के भी, जो निश्चित समय है उसके भी अंतिम घड़ी में उनके जो स्वभाव और संस्कार बलवान रहे, उन स्वभाव और संस्कारों की मदद की उन आत्माओं को आवश्यकता पड़ जाती है। और वह स्वभाव और संस्कार प्रतिशत में वही बलवान होते हैं यदि वह राय लेने वाले, उनका सहयोग लेने वाले यदि उनके ऊपर भरोसा रखे, यदि उनके ऊपर विश्वास रखे, तो उन अनुभवियों की राय और सलाह से वह अपने जीवन के अंदर सफलता के साथ अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं।
जिसमें उन्हें खुशियां प्राप्त हो, जिसमें उन्हें जो भी सुख शांति चाहे अल्पकाल का ही क्यों ना हो पर उन्हें प्राप्त हो। परंतु प्रश्न यहीं पर आता है कि जब तक कलयुग के अंतिम चरण में सभी आत्माएं पहुंचती हैं तो उस सर्व आत्माओं में परम धाम से जो नंबर वार आत्माएं नीचे आती हैं, कोई सतयुग में उतरी, कोई त्रेता में उतरी, कोई द्वापर में उतरी और फिर कोई कलयुग में उतरी, तो स्वाभाविक कलयुग में उतरने वाली आत्माओं को न्यू जनरेशन कहा जाएगा और जो सतयुग से उतरी हुई आत्माएं हैं वो उनसे सीनियर हो गए और सीनियर होने के कारण वो अनुभवी आत्माएं बनी। जैसे इस जीवन के अंदर जो आयु में बड़े होते हैं वो आयु से सीनियर कहलाते, परंतु यदि आयु में उन्होंने संघर्ष नहीं किए, उन्होंने अपने जीवन में चढ़ती पड़ती अच्छाइयाँ बुराइयाँ यदि ये सब के अनुभव उन्होंने नहीं किए तो वो इतने अनुभवी नहीं होते। तो अनुभव जो है वो कर्मों के आधार पर होता है और कर्मों के आधार पर वह सतयुगी आत्माएं पूर्ण रूप से अनुभवी होती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी किसी रास्ते पर हम चलें और यदि रास्ता भटक जाएं या रास्ता खो जाए या हमें अपने सही रास्ते पर आना है तो हमें दो ही सहारे हैं, एक उन आत्माओं का सहारा जो अनुभवी आत्माएं हैं, हम उनका कहना मान करके और जीवन के अंदर चले, या फिर हमें परमपिता परमात्मा का डायरेक्ट संग प्राप्त हो। यदि डायरेक्ट संग प्राप्त हो जाए तब तो जीवन के अंदर खुशहाली छा जाए, परंतु अनुभवी आत्माओं का जब रंग लगता है तो वह आत्मा जब तक भरोसा करती है तब तक वह जीवन में सफलता की और खुशी की प्राप्ति कर सकती है। इसलिए अनुभवियों को बहुत रिस्पेक्ट देना आवश्यक है, अनुभवियों को रिगार्ड देना अति आवश्यक है। यदि हमने अनुभवियों को मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, उनके अनुभवी स्वभाव को, संस्कार को हमने स्वीकार नहीं किया और हमने उनको मान्यता नहीं दी तो हम यदि उनके संग में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं तो हमारे ऊपर जो हमने रंग अपना उतार दिया है, जो रंग हमारा कम हो गया है, हम जो थोड़ा बहुत तो क्या लेकिन प्रतिशत मात्रा में ही हमारे पास अपनी संस्कृति का रंग बचा है, हम फिर से उस संस्कृति को रंग सकते हैं और संस्कृति में वापस ऊंचा उठ सकते हैं। तो यही कार्य करने के लिए हमारी जो संस्कृति को हमने बिसरा दिया है, भूल गए हैं, जिसके कारण ही आज हम अनेका अनेक देश, अनेका अनेक भाषा बोलने वाले
और अनेका अनेक रंगों में रंगी हुई इस सृष्टि के ऊपर जो मनुष्य आत्माएं हैं उनके रंग में रंग जाते हैं, क्योंकि वो आत्माएं बाद में उतरती हैं। इसीलिए भारत के अंदर मनुष्य आत्माएं यह अंदर में एक बात को सोचती रहती हैं कि जब से पश्चिम की हवा इस तरफ आई, पश्चिम की संस्कृति ने यहाँ के पूर्व के अर्थात हमारे भारत देश के जो भी पुरानी संस्कृति में डल हो चुके हैं उनके ऊपर अपना आधिपत्य उन्होंने जमाया या वो संस्कृति हावी हुई, तब से लेकर के भारत का एक तो विषय विकारों के कारण पतन, अनेक आत्माओं के संग में आने के कारण पतन, और फिर पश्चिम की संस्कृति के गलत रंग में रंगने के कारण उनका पतन। चारों ही तरफ से वह पतन की ओर आगे बढ़े और इसीलिए जो पावन थे वो पतित बने, पवित्र थे अपवित्र हो गए, सुखी थे वो दुखी हो गए, शांति से जो अपनी शांति की स्थिति में थे वो अशांत हो गए, गुणों की माला पहने जो सदा सुशोभित रहते थे वह अपने गुणों को खो करके अवगुणी बन चुके, शक्तियों के कारण सारे विश्व के अंदर मुकुट की तरह डबल लाइट की तरह जो चमकते थे, डबल ताज की तरह जो चमकते थे, उन्होंने अपने दोनों ताज खो दिए, कहो ना जैसे कि बिल्कुल कंगाल बन चुके। जब ऐसे कंगाल बन जाते हैं तब परमपिता परमात्मा को फिर से आकर अपने बच्चों को उसी संस्कृति के रंग में रंगने के लिए जो पावन दैवी संस्कृति है फिर से उनको उस संस्कृति में लाने के लिए उन्हें अवतरित हो करके ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और फिर शक्तियों का स्रोत उनकी तरफ बहाना पड़ता है और वो आकर के देते हैं। और जब हम इन चारों ही बातों को प्राप्त करते हैं जो प्रभु के द्वारा जिन आत्माओं को प्राप्त है हम उनके द्वारा प्राप्त करके फिर से हम अपनी अनादि अनंत काल की जो हमारी संस्कृति थी जिसे हमें अनंत काल तक चलाना है हम फिर से अपनी संस्कृति को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हम अपनी संस्कृति सुकृति, संस्कृति माना पवित्र कृति, अच्छी कृति, श्रेष्ठ कृति। तो हम जो भी कर्म करें कम से कम हृदय और बुद्धि दोनों मिलकर के ये कहे कि ये तेरा कर्म योग्य है, ये तेरा कर्म पवित्र है, ये तेरा कर्म सुखदायी है, ये तेरा कर्म राइट है। तो वही कर्म हमें करना चाहिए जिसके लिए कहते हैं अंतरात्मा की जो आवाज़ कहे वही कर्म करना चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ माना हमारी असली संस्कृति की आवाज़ जो परमपिता परमात्मा के संग में हमारे स्वभाव संस्कार रहे वो है अंतर आत्मा की आवाज़। तो आशा करती हूँ अंतर आत्मा की आवाज़ को पहचानने की कोशिश करेंगे, अभ्यास बढ़ाएंगे और उसके अनुरूप अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाते जाएंगे। ओम शांति।